हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज है संडे, यानी कि खुशी का दिन। एडिट करने में, अपलोड करने में इसमें टाइम लग जाता है, वरना मैं काम पे तो सुबह 9 बजे जाना चाहता था, पर नहीं गया। छोड़ो, ये तो मेरा रोज का है। और बस सुबह का व्लॉग स्टार्ट कर दिया, पर आज मेरा काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, छुट्टी मारने का मन कर रहा है। कल मारूंगा नहीं, थोड़ी देर के लिए काम पे चला जाऊंगा। फिलहाल आपको एक हैरान कर देने वाली चीज़ बताता हूँ अपने बारे में, जो कि मेरे को नहीं बतानी चाहिए, घिनौनी चीज़ है, पर बता देता हूँ। ये जो मेरे को कपड़े देख रहे हो ना, ये और ये अपना पूरे 7 दिन बाद चेंज करने वाला हूँ मैं। पिछले संडे को आपने गौर किया हो, कुतुब मीनार वाला व्लॉग देखा हो, जब से भाई यही कपड़े पहन रखे हैं तब से मैं नहाया भी नहीं हूँ, 7 दिन से नहीं नहाया। कभी कभार तो मैं खुद ही सोचता हूँ यार, मैं कैसा हूँ, कितना बुरा हूँ यार, कितना मतलब वैसा रहता हूँ। पर देख लो, वैसे आपको लग रहा है कि मतलब मैं 7 दिन से नहीं नहाया, देख लो यही फायदा है एक कपड़े में, भाई पूरे 7 दिन गुजार दिए। और संडे है, आज नहाऊंगा ठंडे पानी से, फिर चलेंगे काम पे। और देखो भाई, धूप ना कड़कती कड़कती निकलती है आजकल, और अब तो धूप में भी थोड़ी बहुत गर्मी लगने लगी है, और अब तो मैं ठंडे पानी से भी नहा सकता हूँ, सिंगल साइड में ही काम चलाता हूँ। और यहाँ दादी हमारी माल बना रही हैं, और दीदी भी माल बना रही हैं धागा काटने का। और मैंने काजल को बोला था ना एक न्यूज़ चैनल बनाने के लिए, मैं मतलब ये घर में रहती है, फ़ोन चलाती रहती है, फ्री फंड का गाने सुनती रहती है। मैंने इसको बोला न्यूज़ चैनल बना ले, उसमें मतलब ठीक ठाक, मतलब सही उस व्यूज़ आते हैं, सही मतलब सही सही चीज़ है वो, जैसे ना सेलिब्रिटी की न्यूज़, इधर उधर की न्यूज़ बता दो एक वीडियो में। पर दीदी जी हमारी बात कहाँ सुनने को। और मैंने इसको ना एक प्रॉमिस किया है, और ये प्रॉमिस आज मैं पब्लिक के सामने भी कर रहा हूँ, अगर ये यूट्यूब पर ना वैसी वीडियो बनाएगी ना न्यूज़ वाली, और रोज़ बनाएगी, तो इसने बोला है मेरे को केदारनाथ जाना है, मैं पक्का भाई कुछ भी करके ना, कहीं से भी पैसे अरेंज करके इसको केदारनाथ घुमा दूंगा। जब केदारनाथ खुलेगा, ओपन होगा ना, अभी मार्च या अप्रैल में होता है शायद, तो पक्का इसको पहली ट्रिप वहीं की करवा दूंगा। जाए चाहे मतलब मेरे साथ और कोई जाए या ना जाए, पर इसको जरूर ले जाऊंगा। तो फोन मिले तब तो। अब बोल अब पब्लिकली। हाँ बनेंगे। हैं? हाँ? पक्का? हाँ। वैसे तो फोन मिले तब ना। फोन जब इसे मिलता है तो ये गाने सुनने लग जाती है। कोमल ने मैं कल दे कलम खाली। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, ज्यादा बात नहीं करूंगा, नाके मिलता हूँ सीधा हीरो बन के। और क्या कहना चाहोगी, मैं 7 दिन से नहीं नहाया, और कितनी पानी की बचत करता हूँ मैं। ओ, इसको नहाने की बात बोल दी तो बदबू आने लगी, देख लो अभी तक नहीं आ रही। कोमल के मुंह से बदबू आ रही है। ओ माय गॉड, कोमल सही में रुक गया, अब फोन में भी बदबू आ रही है अब तो। तो पुरुष ना करत का, तो माउथ फ्रेशनर लिया ना, इतनी बदबू आ, तो बदबू क्यों आ रही उसे? सही है? हाँ, कैसी बदबू आ रही है मम्मी? हाँ। कोमल मुंह से बदबू आते है? क्या मैं? हाँ मम्मी। हाँ। आप इस चीज पे क्या कहना चाहोगे, हम 7 दिन से नहीं नहाए, पानी बचा रहे हैं, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, और 7 दिन से एक ही कपड़े में हैं, क्या कहना चाहोगी इस बात पे? कुछ अवार्ड बगावर्ड मिल सकता है हमें इस चीज पे? नहीं। क्यों नहीं? ये तो अच्छा काम है ना यार, 7 दिन से नहीं नहाया, पानी बचा रहा हूँ। किस काम की? क्यों नहीं? क्यों कोमल, कुछ अवार्ड मिल सकता है हमें? 7 दिन से नहीं नहाया, हम पानी बचाया हमने बहुत सारा। अबे नीचे रख दे, बोल रहा दांत तो साफ है कोमल की, फिर कैसे बदबू आते है? मम्मी जाकर वो भी उल्टी आई है ना। हाँ तो मैं अपनी बिटिया दिखाई दे रही है। काम तो जी की ना, अगर ना मैं शर्ट ना काजल को सुंगा दू ना, तो काजल बेहोश हो सकती है। ट्राई करा जाए एक बार, ट्राई। अब कुछ नहीं होगा, भाई बहन का प्यार है। तो एक बार सुन ले ना, कुछ ना होए, कुछ ना होए, कोई फूल फूला सुन ले, कुछ ना होए। सॉरी भाई यार, आप सोचते हो यार कैसा ब्लॉगर है, इतना घिनौनी हरकतें करता है। भाई पानी बचा रहा हूँ, ठीक है ना, दिल्ली का भला कर रहा हूँ, तो जा रहा हूँ सीधा नहाने, अब हीरो बन के मिलता हूँ सीधा। एक दो, वैसे हीरो तो बिना नहाए भी लगता हूँ मैं, एक महीना ना भी नहाऊ ना तब भी हीरो ही हूँ। क्यों मम्मी है ना, है उल्लू जैसी शकल है। अभी किसी लड़की को ना ऑफर मार दिया जाएगा ना, लड़की आ जाएगी, पहले मुंह धो के। अभी देख मोहिनी को ऑफर मारे,
मेरी मोहिनी आई लव यू टू, आ जा। देखो हो गया प्यार, मोहिनी को प्यार हो गया मुझसे। बदबू आ रही है क्या मोहिनी मेरे शरीर से? है सबसे ज्यादा मैं प्यार इसी को करता हूँ, देख लो। यही है मेरी जान, जो बात है सो बात है ना। और भाई यहाँ आऊंगा खुले में एकदम, है ना, मस्त मजा आएगा। और ठंडे पानी से ही ना लूंगा, गर्म पानी क्या करना यार। अब पानी बचा रहा हूँ यार, मैं सोचता हूँ यार कोई अवार्ड बचाओ ना, मोदी जी मेरा व्लॉग देखें, कोई अवार्ड बचाए तो मेरे को दे दें यार, इतना पानी बचा रहा हूँ। देखो कपड़े धोने में पानी लगता है, नहाने में पानी लगता है, मैंने सातों दिन नहाया भी नहीं, सात दिन कपड़े भी नहीं धोए, कितनी बचत कर रहा हूँ। तो असली नागरिक हूँ मैं देश का, अवार्ड देना चाहिए। मोदी जी सुनो यार, अभी अवार्ड नहीं दोगे भाई, अवार्ड दो यार। ओए वाह, ये देखो दादी का खजाना, वाह जी वाह वाह। दादी अंगूर खाती है भाई, बोल एकदम। दादी एक चीज बताओ, हम सात दिन से ना नहाए हैं और सात दिन से कपड़ा ना बदले हमने, पानी की बचत कर रहे ना हम, है ना, कोई पुरस्कार मिलना चाहिए हमें, हैं मोदी जी से, है ना, इतना पानी की बचत कर रहे। दादी भाई टनाटन हो गई, पर दादी मेहनत बहुत करती है, माल बनवाती रहती है। जा रहा हूँ यार नाने, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। मोहिनी अंगूर, अंगूर तो खिला सकते हैं ना यार मोहिनी को, खा ले, ज़्यादा नखरे नहीं चाहिए बेटा, बड़ी नखरेली हो गई, खा लेगी बाद में खाई, देखो यार नखरे करके खाती है, देखो खाने लगी ना, दूर जाऊँगा ना तब खा लेंगी। तो चलो जी भाई नहा धो के हो गए हैं तैयार, और अभी इसी नहीं नहाया भाई, बहुत पहले नहा लिया था। ना दो के सो के नहीं भाई, आलस आ रहा है यार, ना दो के ऐसा ना नींद आ रही है। और फैक्ट्री से फोन आ गया जहाँ मैं काम करता हूँ ना, ठेकेदार का, कि भाई काम पे आ जा। मैं बोल रहा हूँ आज संडे है यार, आज तो थोड़ा मजे ले लो, पर बुला लिया यार, माल थोड़ा जरूरी है, अब जाना पड़ रहा है काम पे, पर मन तो नहीं था, छोड़ो चलते हैं काम पे यार। पता नहीं यार क्यों, अब ऐसा ना गर्मी में मौसम आ जाता है ना आलस वाला यार, अब ना मतलब मन करता है सोने का, मेरा सोने का मन कर रहा है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा। मम्मी तो भाई सुबेरे से ही, मम्मी दादी बहन सब माल बनाने में लगे पड़े हैं। चलो यार चलना पड़ेगा, क्या करें भाई, बाहर इतनी धूप हो गई, अब तो धूप भी गर्मी जैसी लगती है। ये देखो भाई मोहिनी ना लड्डू गोपाल की खाट पे सोती है, देखो मंदिर के पास, कितनी प्यारी लग रही है मोहिनी। हाय, आ गए हैं काम पे, मेरा मन नहीं था यार, आज बड़ी जबरदस्ती में आया हूँ यार संडे को। और हाँ आज आप बोल रहे हो घूमने जाते हो हर संडे, पर आज नहीं गया, बताऊंगा क्यों नहीं गया आज। चलो पहले तो काम कर लेते हैं, अपना अधूरा काम निपटा लेता हूँ, फिर चलेंगे घर पे। सच में यार मन नहीं था यार भाई, संडे को काम पे आया था, काम सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सारे लोग चले गए और मैं ही बचा हूँ फैक्ट्री में। और बस यार एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा यार अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के हिसाब से, कि ना ये भाई किराए के लिए ना बड़ा तगड़ा होता है भाई, सच में यार। मतलब मैं ना आज तक ये चीज़ें देखता था दूसरे के ही, कि मतलब अरे क्या होता है, लोग क्यों लड़ते रहते हैं, क्या होता है, छोटी बात तो होती है, इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं, मतलब सुसाइड क्यों कर लेते हैं, इतनी बड़ी चीज़ें क्यों कर लेते हैं छोटे से कलेश के लिए। और मतलब भाई बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और छोटी सी बात होती है। और गिरा क्लास में ना ये होता है कि मतलब दोनों इंसान ना अगर एक थोड़ा समझदार है, सुन लेता है, कबूल कर लेता है गलतियाँ, तो गिरा क्लास थोड़ा कम हो जाए भाई। इतना बुरा होता है ना यार, मेरा सर दर्द कर रहा है भाई यार, अच्छा खासा था मैं एक गिरा क्लास में, मैं शेयर नहीं करना चाहता आपको, पर यार बड़ा ख़राब होता है भाई गिरा क्लास, सच में यार भाई मेरे ना सर में दर्द हो रहा है यार, ऐसा ऐसा मन करने लग जाता है ना कि यार मैं ही इस गिरा क्लास की जड़ हूँ, ऐसा करते हैं सुसाइड करते हैं और छोड़ छाड़ के निकल लेते हैं इस दुनिया को, ऐसे ऐसे मतलब ख्याल आने लग जाते हैं भाई गृह कलेश में, मेरा सर दर्द हो गया भाई, मेरा मन ही नहीं कर रहा घर जाने का सच में भाई। इतनी देर से यहाँ बैठा हूँ यार, यही चीज़ें सोच रहा हूँ मैं, बोला कर देता हूँ शेयर आपको भाई, मत फंसना भाई गृह कलेश में, बड़ा बेकार है यार। पर वही है भाई, सलाह दे रहा हूँ आपको, अगर आपको भी लगता होगा आपकी लाइफ में नहीं हुआ होगा, या बहुतों की लाइफ में हुआ होगा, आपको लगता होगा अरे कुछ नहीं होता भाई,
बहुत कुछ होता है भाई सच में भाई, क्रैकलेस। तुम अगर इस पार्टी के साइड, मतलब ए और बी दो चीज़ होती हैं, ए के साइड रहो तो बी वाले खिलाफ, बी की साइड रहो तो ए वाले के खिलाफ। अगर तुम किसी की साइड नहीं हो तब भी सोचेंगे दोनों लोग कि इसके साइड है उसके साइड है, तो भाई बड़ा बुरा होता है यार ये क्रैकलेस। छोड़ो, जा रहा हूँ यार फैक्ट्री बंद करके। भाई सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, सर फट रहा है यार। घर पे जाके सोऊंगा तभी ये सब चीज़ें भूलूंगा। बेकार यार, शादी कर ली यार इतनी जल्दी। चलो भाई, संडे को ना अपने डिपार्टमेंट समोसे आते हैं, तो दो समोसे लाया हूँ, खाऊंगा और फिर घर जाऊंगा। क्या करें भाई, भूख लग रही है, खाना भी नहीं खा के आया था मैं घर से। चलो भाई, घर आ गया और दो समोसे थे, एक समोसा खाया और एक समोसा लेके आ गया। मन ही नहीं कर रहा था और फिर मैं सोचा घर जा ही रहा हूँ, घर तक घर वाले खा लेंगे। सॉरी, एक ही लाया हूँ। इंडिया इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा भीड़ इसी के सामने रहती है। तो भाई अपने दोस्त के संग आया था मोबाइल की दुकान पे, अपना बेस्ट फ्रेंड एक फ़ोन ले रहा है जो कि मैं लेने की सोच रहा था पहले, ये वाला फ़ोन है, तो देखते हैं कैसा होगा। चलो जी भाई, ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं बनाया संडे के दिन, कहीं मैं गया भी नहीं क्योंकि भाई बताया ना आपको मूड ख़राब था। तो बस मिलते सीधा, ये संडे बहुत नॉर्मल था, सिंपल था। वैसे मैं कहीं घूमने जाता हूँ दोस्तों के संग, और अपने दोस्त भी एक दो गांव गए हुए हैं तो इस वजह से नहीं जा पाया। तो मिलते सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और व्लॉग में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं सीधा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए, बाय बाय।